हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक मास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सैमसंग की नई मिड रेंज सीरीज यानी कि गैलेक्सी एम सीरीज काफी समय से चर्चाओं में है और अब तक इस सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर काफी अफवाहें और लीक्स निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन अब इन चर्चाओं और अफवाहों पर विराम लगाते हुए सैमसंग ने आधिकारिक रूप से गैलेक्सी एम सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन्स की घोषणा कर दी है और आज हम इन्हीं स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेक मास्टर मुंशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यो, टेक मास्टर मुंशी। तो दोस्तों, सैमसंग की नई गैलेक्सी एम सीरीज के तहत चार नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं जो सैमसंग के मौजूदा ट्रेंड से बिल्कुल अलग और हटकर होंगे। खास बात यह है कि ये चारों ही स्मार्टफोन्स नोच डिस्प्ले के साथ आएंगे और ये पहली बार होगा जब आपको सैमसंग के किसी फोन के डिस्प्ले में नोच देखने को मिलेगा। और उससे भी खास बात यह है कि गैलेक्सी एम सीरीज के फोन्स को भारतीय यूजर्स की जरूरतों और पसंद के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कंपनियों को ये पता कैसे चलता है कि भारतीय यूजर्स को एक फोन में क्या क्या पसंद है और वो किस तरह के फोन्स खरीदना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है रिसर्च। हर कंपनी के कई सारे R&D सेंटर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होते हैं और इन सेंटर्स में यूजर्स की पसंद नापसंद, उनकी जरूरतों, बजट और मार्केटिंग जैसे बहुत से विषयों पर गहन शोध किया जाता है। और इस शोध के आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ज्यादातर यूजर्स को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है। अगर सैमसंग की बात करें तो भारत के बेंगलुरु शहर में कंपनी का R&D सेंटर है जिसका नाम है सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट इंडिया बेंगलुरु, और गैलेक्सी एम सीरीज के चारों डिवाइसेज को इसी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के आधार पर डिजाइन किया गया है। गैलेक्सी एम सीरीज के डिवाइसेज में सैमसंग के इन्फिनिटी वी डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा। आपको पता ही होगा, सैमसंग शुरू में नोच के पक्ष में नहीं थी। बाकी कंपनियां अपने फोन्स में नोच दे रही थी, लेकिन सैमसंग ने अपने किसी भी फोन में नोच नहीं दिया, बल्कि वो बिना किसी नोच के नए फोन्स को लॉन्च करती रही। लेकिन धीरे धीरे यूजर्स नोच वाले फोन्स की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने नोच वाले फोन्स खरीदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नोच एक ट्रेंड से जरूरत बन गया और बिना नोच वाले फोन्स को ओल्ड फैशन्ड माना जाने लगा। ऐसे में सैमसंग को भी आखिरकार नोच का सहारा लेना ही पड़ा। सैमसंग ने इसके लिए चार अलग अलग डिजाइन तैयार किए जिनको इन्फिनिटी यू, इन्फिनिटी वी, इन्फिनिटी ओ और न्यू इन्फिनिटी का नाम दिया गया। इनमें से इन्फिनिटी ओ सबसे अलग और हटकर है, जो आपको जल्द ही गैलेक्सी A8s में देखने को मिलेगा। खैर, गैलेक्सी एम सीरीज के फोन्स में सैमसंग पहली बार इन्फिनिटी वी डिस्प्ले का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही इनमें 6.4 इंच का डिस्प्ले और बड़ी बैटरी होगी। दरअसल सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज के लिए भारत में रिसर्च की, जिसमें पता चला कि भारतीय युवा वर्ग नोच वाले फोन्स को ज्यादा पसंद करता है। इसलिए भारतीय युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए सैमसंग ने ये कदम उठाया है। गैलेक्सी एम सीरीज के इन चारों फोन्स में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होगी, जो आपको आज तक किसी भी सैमसंग फोन में देखने को नहीं मिली। उम्मीद की जा रही है कि इन फोन्स में 5000 mAh की बैटरी हो सकती है। कुल मिलाकर गैलेक्सी एम सीरीज भारतीय युवाओं के बीच काफी पॉपुलर होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के फोन्स को भारतीय युवाओं की जरूरतों और उनकी पसंद के आधार पर डिजाइन किया गया है। अगर लॉन्चिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन्स जनवरी 2019 में लॉन्च होंगे, लेकिन इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस को लेकर फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक मिड रेंज सीरीज है और गैलेक्सी जे सीरीज और ओन सीरीज को रिप्लेस कर रही है, ऐसे में उम्मीद है कि इस सीरीज के स्मार्टफोन्स की कीमत 15,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच हो सकती है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या आप भी गैलेक्सी एम सीरीज को लेकर एक्साइटेड हैं? और आपके हिसाब से गैलेक्सी एम सीरीज के फोन्स की प्राइस रेंज क्या हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये इस साल का लास्ट वीडियो है और अब अगला वीडियो 2019 में आएगा, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।